हेलो 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 फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अमेजिंग सा प्यारा सा चैनल फिजिक्स यूनिवर्स। आई होप यू आर ऑल फाइन एट योर होम एंड वी आर एंजॉयिंग दिस ऑनलाइन लेक्चर्स। ओके, सो टुडे वी स्टडी द टॉपिक इज साइन कन्वेंशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे हम लोग पोजीशन देंगे उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट को नेगेटिव बोलेंगे पॉजिटिव बोलेंगे, ये आज हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट दैट वेन एवर एनी लेंस ऑप्टिकल सेंटर वी टेक इट एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन। तो ऑप्टिकल सेंटर को हम लोग ओरिजिन से समझेंगे, ओरिजिन ही ले लेंगे। तो ओरिजिन के राइट हैंड साइड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ये सब हम लोग साइन कन्वेंशन के हिसाब से समझने वाले लेने वाले। ओके, फिर आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट, वी ऑलवेज इफ एनी लेंस आइदर कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, उन दोनों में ही ऑब्जेक्ट को ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे। हम लोग राइट हैंड साइड भी रख सकते हैं बट हम लेफ्ट हैंड साइड एज अ सिक्योरिटी रख रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड रखने से हमें पूरी कैरेक्टरिस्टिक पता चलेगी। ऑलवेज हम लोग सभी केसेस में लेफ्ट हैंड साइड रखने से हमें पता चलेगा कि कौन सी इमेज हमें राइट हैंड साइड मिलती है और कौन सी इमेज हमें लेफ्ट हैंड साइड ही मिलने वाली है। क्लियर? ओके, सो थर्ड पॉइंट, द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर वी कॉल इट एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड सिम्बॉल इज स्मॉल यू एंड सिमिलर इमेज टू इमेज डिस्टेंस टू ऑप्टिकल सेंटर दैट डिस्टेंस इज इमेज डिस्टेंस एंड वी डिनोटेड दैट सिम्बॉल एज स्मॉल वी। क्लियर? सो यू एंड वी। ओके, एंड द अनदर वन इज ऑप्टिकल सेंटर टू फोकस पॉइंट दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, सिम्बॉल इज स्मॉल एफ। ओके, now we are moving on to fourth point. The fourth point, whenever incident light, the distances measured in the direction of incident ray are always taken positive and opposite to the incident light. अगर incident light के opposite कोई direction होगी तो हम लोग उसको negative लेंगे। clear? तो ये भी figure में given है। clear? Just like this, डायरेक्शन अपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट, इसका मतलब कि जो जो कोई भी लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा उसको नेगेटिव ले लो, जो कोई भी राइट हैंड साइड मिलेगा उसको पॉजिटिव ले लो। सिंपल एज दैट। क्लियर? फिर अब बारी आती है फिफ्थ पॉइंट की एंड दैट इज द लेंथ, मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर के जितने भी लेंथ होंगे उसको ऑलवेज पॉजिटिव लेना है और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जितने भी लेंथ मिलेंगे, क्योंकि कोई कोई इमेज हो सकती है कि हमें ऑप्टिकल एक्सिस के नीचे मिले। क्लियर? तो ऑप्टिकल एक्सिस के नीचे अगर इमेज मिलेगी तो उस हाइट को हमें नेगेटिव लेना है। जस्ट लाइक दिस हियर, ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे? ऑप्टिकल एक्सिस के ऊपर है तो दैट इज़ पॉजिटिव, बट अगर हमें यहाँ पर नीचे मिलेगी तो उस हाइट को हमें क्या करना है? नेगेटिव ले लेना है। क्लियर? सो दैट्स अवर फिफ्थ पॉइंट एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू सिक्स्थ पॉइंट एंड दैट इज वी नो दैट द फोकल लेंथ इन आवर फिगर, लाइक इन बोथ फिगर आवर ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट हैंड साइड, सो वी टेक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव। बट इफ इन दैट पर्टिकुलर केस वी गेट इमेज राइट हैंड साइड, सो दैट इमेज डिस्टेंस वी टेक पॉजिटिव। सिमिलरली अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है ऑप्टिकल एक्सिस से, तो यहाँ पर दिखाया है, क्लियर, ऊपर है तो उस हाइट को पॉजिटिव लो। और अगर हमारा लास्ट पॉइंट में ही मैंने बात की थी कि अगर हमारी जो इमेज है या फिर ऑब्जेक्ट है अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मिले तो दैट वी टेक इट एज नेगेटिव। क्लियर? So these are the six points, six important points for sign convention. Sign convention में हमें बहुत ही ध्यान रखना है क्योंकि sums में sign convention लेकर ही हम लोग calculation करने वाले हैं। So इसमें बहुत ही ध्यान रखना है, बहुत ही accurate रहना है जिससे कि हमारे
कोई भी सम गलत ना हो. क्लियर. सो दैट्स ऑल फॉर गाइस. थैंक यू फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.